हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर कंप्यूटर टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, और जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जिसमें हम तीन लैंग्वेज पढ़ चुके थे, सॉरी लास्ट टू लैंग्वेज पढ़ चुके थे, जिसमें थी आपकी मशीन लैंग्वेज, सेकेंड थी आपकी असेंबली लैंग्वेज, और लास्ट है आपकी बेटा लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्या है आपकी? लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको बेटा शॉर्ट में LLL, ट्रिपल एल, और इसको बेटा HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको आप नोट डाउन करोगे पूरे को अपनी नोटबुक में, और मैं एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ए लैंग्वेज इन विच ईच स्टेटमेंट डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू सिंगल मशीन कोड इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट सिंपल लिखा हुआ है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ए लैंग्वेज इन विच ईच स्टेटमेंट डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू सिंगल मशीन कोड इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां कोई ट्रांसलेटर काम ना करता हो। क्या बेटा? जहां कोई ट्रांसलेटर काम नहीं करता है, आपने जो कोड लिखा है वो सीधा डायरेक्टली मशीन कोड में जा रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, कोई ट्रांसलेटर नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली हो रहा है, तो ऐसी लैंग्वेज को आप क्या बोलते हो? लो लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए बेटा असेंबली लैंग्वेज और बेटा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि वहीं तो आप डायरेक्टली कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा आप कहोगे कि सर यहाँ आपने असेंबलर बताया था, बेटा बताया था वो बाद में लगा था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी एक आपकी मशीन लैंग्वेज का थोड़ा सा अपडेट पार्ट थी, पूरे तरीके से नहीं, बहुत थोड़ा सा। बस कहते हैं यहाँ निमोनिक कोड्स का यूज किया गया था, तो इस वजह से ये दोनों लगभग सिमिलर ही मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आपकी हाई लेवल लैंग्वेज HLL। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच ए प्रोग्राम राइट्स इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच ए प्रोग्राम राइट्स इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल सिंबल्स इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, ऐसी चीज़ें वगैरह यूज़ होती हैं, और वहाँ आपका प्रोग्राम तैयार किया जाता है, तो उस प्रोग्राम को बोलते हैं बेटा हाई लेवल प्रोग्राम, या फिर उस लैंग्वेज को बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बेटा? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एग्जांपल के लिए बेसिक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट सी अपनी लास्ट क्लास में पढ़ी है, टेंथ क्लास वालों ने पढ़ी है, और नाइन्थ क्लास वाले उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अब, और आपके टेंथ क्लास वाले उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, तो जब आपने सी पढ़ी थी बेटा, जब हम प्रोग्राम लिखते थे तो आप देखते थे कि नए नए वर्ड्स स्टेटमेंट लिखे जाते थे, जैसे इंक्लूड stdio.h, conio.h, ठीक है, int, ये सब क्या है? स्टेटमेंट ही तो हैं छोटे छोटे। ठीक है, और इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स ही हमारे पूरे के पूरे उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके यूज़ हो रहे थे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखा है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, और बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन दी है जो आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये लो लेवल लैंग्वेज का तो इतना वो रहा नहीं, क्योंकि तो पिछली बातें हो गई हैं। अब आपका जो चल रहा है हाई लेवल लैंग्वेज चल रहा है, और हाई लेवल लैंग्वेज में दो चार बातें और सीखेंगे आगे की, और फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये नोट डाउन किया होगा बेटा, और अब मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे जो हम बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया भी था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, और थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और बात करेंगे, तो मैं एक बार इसको और आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए बेटा, ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप सीधे जो आपका स्टेटमेंट दिया है, आपने जो उसको कमांड दिए, जो प्रोग्राम लिख रहे हो, अगर वो सीधा आपका सिंगल मशीन लैंग्वेज में या सिंगल मशीन कोड में चेंज हो रहा है, तो उसको आप बोलोगे लो लेवल लैंग्वेज। और उसके एग्जाम्पल्स थे बेटा असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। किसकी बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच ए प्रोग्राम राइट्स इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल सिंबल्स इन नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। जहां आप कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए इंग्लिश वर्ड्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, वहाँ हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बेटा इनको कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज, देखिए प्रोग्राम कंप्यूटर जो लेगा बेटा, वो अपनी मशीन लैंग्वेज में लेगा, 0-1 और आपकी न्यूमेरिक कोड्स, वो अपना जो प्रोग्राम लेगा वो सिर्फ और सिर्फ 0-1 की फॉर्म में ही लेने वाला है। तो अब उसको जो इंग्लिश वर्ड्स हैं आपके, या स्टेटमेंट है, या मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, उनको चेंज करने के लिए मशीन लैंग्वेज में क्या लगा हुआ होता है बेटा? कंपाइलर लगा हुआ होता है वहाँ। क्या लगा हुआ होता है इनके बीच में? कंपाइलर, जो इन दोनों के बीच ट्रांसलेशन के ब्रिज का काम करता है, इन दोनों के बीच ट्रांसलेशन
के ब्रिज का काम करता है, ठीक है। कंपाइलर जो वो है क्या करता है, जो हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, जो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, उसको मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज में चेंज करता है, और मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज को यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में चेंज करके हमें प्रोवाइड कराता है आउटपुट, ठीक है। तो ये मैंने बताया एक टर्म कंपाइलर, इसको आगे यूज करेंगे। कंपाइलर क्या होते हैं, असेंबलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स वगैरह क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा स्टेटमेंट जरूर देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, जो जो नई चीज़ें आपको लग रही हैं। तो एक बार इसको अपलोड डाउन कीजिए, फिर मिलते हैं अभी। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो एडवांटेज की बात देखते हैं। द इट इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट, इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट दैट इज ए प्रोग्रामर ए सॉरी ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विदाउट मॉडिफिकेशन। ओके, तो देखिए जो हमारी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज थी, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो मशीन डिपेंडेंट थे बेटा। कैसे थे? मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। मशीन लैंग्वेज तो पूरी तरीके से मशीन डिपेंडेंट थी। असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन वो भी पूरे तरीके से नहीं आ रहा था वहाँ। लेकिन जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई बेटा, तो वहाँ हमने देखा कि वो पूरी तरीके से मशीन इंडिपेंडेंट थी। और मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर मेरा प्रोग्राम एक मेरे कंप्यूटर पे लिखा हुआ है, मैंने प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे बिल्ड किया है और मैं वहाँ रन करा रहा हूँ, तो मेरा वो प्रोग्राम मेरे दोस्त के कंप्यूटर में या किसी अदर पर्सन के कंप्यूटर में भी रन होना चाहिए, वहाँ भी वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए जैसे मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में करा था। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, दैट इज ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन मैनी कंप्यूटर्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विदाउट मॉडिफिकेशन। यानी कि उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसा आपने अपने कंप्यूटर में बनाया है, आपके कंप्यूटर में जैसा रन कर रहा है, उसको जो कहते हो आप अपने दोस्त के ट्रांसफर कर दीजिए दोस्त के लिए, या किसी अदर थर्ड पर्सन को आप देना चाह रहे हो तो उसको वैसे का ट्रांसफर कर दीजिए, वो वहाँ भी रन कर जाएगा प्रोग्राम आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ है बेटा, इसको मशीन इंडिपेंडेंट, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था इसका। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। तो बेटा देखिए, यहाँ कुछ रट्टा मारने वाली बात नहीं रही, कोई कोड याद करने की बात नहीं है। बस एक बार आपको जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, जो इसकी कीज होती हैं, जो इसके कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, बस वो एक बार आपको याद हो जाएं, प्रैक्टिस से आ जाती हैं वो। एक या दो बार प्रोग्राम लिखते हैं, वो अपने आप याद होने लग जाती हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है बेटा वहाँ, ठीक है। आपने 9th क्लास में, जो इस बार 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने देखा 9th क्लास में कितने ईजी हैं। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन एंड गिव्स फ्यू एरर्स, इट इज़ ईजियर टू मेंटेन एंड गिव्स फ्यू एरर। बेटा इसको मेंटेन करने में आसानी होती है, ठीक है। दूसरी बात, गिव्स फ्यू एरर, ये बहुत कम एरर देती है, और एरर भी आपको बताएगी कहाँ एरर है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो जिस लाइन में जहाँ पॉइंट पे एरर होगी, वहाँ आपको बताएगा कि आपके ये एरर है। एरर 4-5 तरीके की होती हैं, कि सिंटैक्स एरर है, ठीक है, या फिर डिक्लेरेशन एरर है। वो एरर्स जब पढ़ेंगे हम प्रोग्रामिंग आगे, तब आपको बताऊंगा एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो एरर्स का पता चल जाएगा आपको देखते ही, वो बताएगा आपको सिंटैक्स एरर है, तो कहीं आपने सिंटैक्स देने में गड़बड़ करी है, ठीक है, या डिक्लेरेशन, तो आपने किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन नहीं करी है, कीवर्ड्स वगैरह एरर जो भी आता है आपका एरर में, उसको हम आगे देखेंगे, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि मेरी एरर कहाँ है, विद इन सेकंड आप सही कर दोगे, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय ए प्रोग्रामर। जितना भी स्टेटमेंट होगा प्रोग्राम का जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको जब वहाँ कीवर्ड्स, स्टेटमेंट्स और मैथमेटिकल सिंबल्स, अल्फाबेटिकल सिंबल्स हैं, तो कोई भी प्रोग्रामर बेटा उसको बड़ा इजीली समझ सकता है कि प्रोग्राम क्या बनाया है, क्या कोडिंग है इसकी। लेकिन मशीन लैंग्वेज 0-1 में चलता था पूरा का पूरा, वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कौन सा कोड किसके लिए लिखा जा रहा है। ओके, तो इस चीज़ को आप एक बार नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, और एक बार इसकी अच्छे से रीडिंग कीजिए, फिर नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए आप, ओके स्टूडेंट्स, आपने बेटा नोट डाउन किया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ और थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लिखना होता है, फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर मैं बीच में लिखता रहूँगा, डिस्टर्ब होता है आपको भी, क्या करोगे इतनी देर बैठ के। तो वीडियो को मैं पॉज करके बेटा लिखने का काम करता हूँ, होल्ड ऑन। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ
हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या डिसएडवांटेज थे, पहले हमने एडवांटेज की बात करी थी, उससे पहले बेटा हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, तो मैंने लो लेवल लैंग्वेज सॉरी लो लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं डिफाई, क्योंकि वो लो लेवल पुरानी बात हो गई तो वहाँ ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज क्या आती है। आप चाहो तो बना भी सकते हो अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज, आपको डेफिनेशन समझ में आता है क्या क्या कमियाँ थी वहाँ, क्या क्या अच्छाई थी, ठीक है। तो इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम, देखिए पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड, ठीक है दोबारा पढ़िए, इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड। देखिए ये क्या करता था बेटा, जब आपको पता है कि जो मशीन लैंग्वेज होती थी वो क्या होती थी, और असेंबली लैंग्वेज होती थी वो डायरेक्टली मशीन कोड में जाते थे, ठीक है मशीन कोड में डायरेक्ट होता था, डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करती थी मशीन के साथ में। लेकिन यहाँ क्या होता बेटा, कंपाइलर आपका बीच में लगा हुआ होता था, क्या लगा हुआ होता था कंपाइलर, जो आपके मैथमेटिकल सिंबल इंग्लिश के वर्ड्स को या इंग्लिश के अल्फाबेट्स को या फिर कैरेक्टर्स को या फिर स्टेटमेंट्स को जो कंपाइलर मशीन कोड में चेंज करता है। जब बेटा कंपाइलर किसी चीज़ को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में तो कुछ तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, कुछ तो टाइम लेगा वो, तो टाइम लेने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्रोग्राम थोड़ा सा रन लेट करता है, क्या करता है बेटा थोड़ा सा रन लेट करता है अकॉर्डिंग टू वो सॉरी कंपेयर विथ कंपेयर टू किसके मशीन लैंग्वेज और लो सॉरी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के। हाँ हाई लेवल लैंग्वेज आर कंपेरेटिवली स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेज, क्यों बेटा ये स्लो क्यों हुई, इसी वजह से स्लो होती है क्योंकि वहाँ ट्रांसलेशन में टाइम लगता है, फिर रन होने में टाइम लगता है, फिर वापस जब रन होगा वो आपको जो आपने कमांड दे दी उसको उसने अपने अपनी आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसको वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में जाने के बाद वो प्रोग्राम रन हो रहा है, रन होने के बाद वहाँ से आउटपुट आ रहा है, फिर कंपाइलर उस आउटपुट को आपकी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो आपकी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जो होती है उसमें कन्वर्ट कर रहा है उसको। तो बीच में जो ट्रांसलेटिंग में टाइम होता है बेटा उसकी वजह से इसकी स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है अकॉर्डिंग टू वो कंपेयर विद लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आर जनरली लेस मेमोरी इफिशियंट कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ मेमोरी इफिशियंसी कम थी, क्यों थी बेटा उसी की वजह से कि वहाँ क्योंकि आपका काम डायरेक्ट काम होता था, यहाँ आपका काम डायरेक्ट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मेमोरी स्टोर तो होगी इसी वजह से। इट कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर, क्योंकि ये मशीन कंप्यूटर हो या हार्डवेयर कुछ भी है बेटा वो आपका सिर्फ जीरो और वन के लैंग्वेज को समझता है, अदरवाइज वो बाइनरी के सिवाय कुछ नहीं समझता, जीरो और वन के सिवाय वो कुछ नहीं समझता। तो इसी वजह से वो क्या करता था, इट कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद हार्डवेयर, तो वो बिना कंपाइलर के बेटा हार्डवेयर के साथ कोई कम्युनिकेशन अपना नहीं कर सकती है, क्या हार्डवेयर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, किसके बिना बेटा कंपाइलर के बिना। ये इसके बेटा मैंने आपको छोटे छोटे से अच्छे अच्छे से चार डिसएडवांटेज बताए हैं, तो इन डिसएडवांटेज को आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे, उसके बाद बात करते हैं आगे, आप नोट डाउन कीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आपने बेटा नोट डाउन कर दिया होगा, मैं वीडियो को पॉज करके। हाँ तो स्टूडेंट देखिए मैंने अब आपका जो टॉपिक है अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पीछे ये सब दो तीन क्लासेस में आपको लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब चीज़ें क्यों बताए थे, व्हाट इज़ प्रोग्राम क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने क्यों बताई थी, अब आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपकी बुक्स वगैरह में देखे तो यहाँ से शुरुआत करके, लेकिन मैंने इसे थोड़ी सी पीछे की शुरुआत करी है और उतनी की है जितनी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। बाकी जनरेशन वगैरह भी होती हैं ऐसी, वो जनरेशन वगैरह मैंने अवॉइड की हैं, कोई बात नहीं। अब आप आगे देखते हैं ये क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी इज ए जनरल पर्पज कंप्यूटर लैंग्वेज, इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डेनिस एम रिची एट AT&T's बेल लैब्स इन या बेल लेबोरेटरीज इन 1972 फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, ठीक है। देखिए बेटा ये क्या हुआ था, ये एक एक्सीडेंटली इवेंट हुआ था इसका, एक्सीडेंटली इन्वेंशन हुआ था इसका। कैसे, जो डेनिस एम रिची थे बेटा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे थे यूनिक्स जैसा, कैसा
यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना चाह रहे थे वो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करते करते, ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करते करते बेटा उनसे अचानक क्या बन गई, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलेंगे बेटा आपसे, उनसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पहले उसका क्या नाम रखा गया था, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नाम रखा गया था बेटा, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद में फिर हाँ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर उसके इसकी फुल फॉर्म थी BCPL, यानी इसकी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे करके आता था। फिर उसके बाद में ये सी वगैरह की उसमें आ गई बेटा। फिर आगे हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या था, बस इतना काफ़ी है इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ की टर्म्स वगैरह आएंगी आपकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आपका कंपाइलर वगैरह क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, लिंकर, लोडर, लोकेटर। तो हम तो बस तीन पढ़ने वाले हैं बेटा, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग और डिबगिंग क्या होती है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा हेडर फाइल क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताने के बाद में आपका प्रोग्राम बनना शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब वो प्रोग्राम मैं बता देता हूँ कितनी वीडियो के बाद होगा, 1, 2, 3, 4, हाँ बेटा कम से कम 4 से 5 वीडियो और चलेंगे अभी, जिनमें थोड़ा सा थ्योरी का थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चलता रहेगा, लेकिन 2 वीडियो में और थ्योरी वीडियो में और थ्योरी आएगी। उसके बाद में हम सीधा प्रोग्रामिंग पर जम कर देंगे, प्रोग्राम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से बेटा इसको रिवाइज करते रहिए, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। उसको नहीं समझ में आता है आप मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकते हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।